तैयारी की, आपने देख ली होगी, अगर नहीं देख ली तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं कर रही हूँ प्याज की तैयारी, तो ये मेरी प्याज भून चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी साबुत धनिया, जीरा, लौंग और काले मिर्चे। मैं बना रही हूँ समोसों का मसाला। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। ये 4 अदद मैंने टमाटर लिए और 1 अदद प्याज ली थी मैंने। आलू मैंने बॉईल करके रख दिए, ये मैश करके ले रहे हैं आलू। और ये मसाले हैं हमारे, इमली की चटनी मैंने बना ली है, ये देखो इमली की चटनी भी मेरी तैयार है। और समोसों की पट्टियां भी हमारी तैयार है, ये देख सकते हैं, ये समोसों की होम मेड है मेरी, मैंने खुद ने बनाई है, उनको भी मैंने तैयार करके रख दी। तो अभी मैं बना रही हूँ समोसों का मसाला। ये टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप, ये 1 से आधी चम्मच है। और ये 2 अदद मिर्ची और हरा धनिया, अब इसको हम भून लेंगे और फिर इसमें आलू का भरकर डाल देंगे। ये आलू का भूता अब इसमें हम डाल देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था हाथों से, ये देख सकते हैं। ये समोसों के लिए मैं मसाला बना रही हूँ, पट्टियां मैंने बना के रख दी। ये आलू का भूता मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 मुट्ठी चने बॉयल हुए, मैंने बॉयल किए हैं। और मैं बनाऊंगी चने की चाट। चने मेरे बॉयल है, आलू भी मेरे बॉयल है और ये पकौड़ों का मसाला मैंने बनाकर रख दिया है, ये देख सकते हैं दोनों अच्छी तरह पक चुके हैं, ये देख सकते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ समोसे, ये हमारा ठंडा हो गया है और ये मैंने मैदे को 1 चम्मच लेकर पानी में घोल दिया है इसको चिपकाने के लिए, समोसों को देख सकते हैं इस तरह से हम लगाएंगे, इसका हम बना लेंगे। और ये मेरे रंग बिरंगे समोसे हैं, ये समोसों की शेप है, ये मैंने दूसरे शेप का बनाया और ये मैंने तीसरे शेप का बनाया बच्चों के लिए आज से। तो अभी चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो ये देखें मेरा ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें समोसे डाल रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। अब मैं एक एक करके इसमें समोसे डालती जाऊंगी और हल्की आग पे इसको फ्राई करते रहूंगी। हल्की आग पर हमारे फ्राई हो रहे हैं समोसे और जब हो जाते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे समोसे फ्राई हो चुके हैं, देखें कितने क्रिस्पी हैं। और ये मैंने देखें आधे तैयार कर लिए और अभी आधे रहते हैं हमारे, ये देखें मीडियम फ्लेम पे हल्की आग पर मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि मेरे क्रिस्पी से हो जाए समोसे।